स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मिसेस शालू शर्मा फ्रॉम पैरामाउंट पब्लिक स्कूल। दिस इज़ योर इंग्लिश बुक न्यू एस्टर एडवांस्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग बेस इन इंग्लिश फॉर क्लास फर्स्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर नंबर 7 एसे 1 लास्ट चैप्टर। सो द नेम ऑफ योर चैप्टर इज TWELVE 12 DANCING डांसिंग PRINCE SES 12 डांसिंग प्रिंसेसेस 12 नाचती हुई राजकुमारियाँ। आई कैन शो यू द पिक। हेयर आर द 12 डांसिंग प्रिंसेसेस। ठीक है जी, 12 राजकुमारियाँ नाचती हुई। सो लेट स्टार्ट द स्टोरी। सो स्टूडेंट्स, रीड द स्टोरी अबाउट सम डांसिंग प्रिंसेसेस। READ TIH दिस STORY स्टोरी ABOUT अबाउट SOME सम DANCING डांसिंग PRINCESS डांसिंग प्रिंसेसेस। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग हु हैड 12 ब्यूटिफुल डॉटर्स। एक बार की बात है, एक राजा था और उसकी क्या थी, 12 सुंदर क्या थी, बेटियाँ थी। द प्रिंसेसेस हैड अ बिग बेडरूम फॉर देमसेल्व्स। उनके पास, उन राजकुमारियों के पास क्या था, एक बड़ा बेडरूम था, एक बड़ा सोने का कमरा था। एवरी नाइट आफ्टर दे हैड ऑल गॉन टू स्लीप, जब वो सो जाती थी हर रात, द बिग बेडरूम वॉज लॉक्ड सो दैट दे कुड स्लीप सेफली। सेफली क्या होता था, हर रात उनका जो बेडरूम था वो लॉक हो जाता था जिससे कि वो सेफली सो सकें, मतलब उनको कोई भी कुछ भी हार्म ना पहुँचा सके। बट एवरी मॉर्निंग द प्रिंसेसेस शूज लुक्ड वॉर्न आउट। वॉट इज द मीनिंग ऑफ वॉर्न आउट, वी विल सी। द मीनिंग ऑफ वॉर्न आउट इज टू ओल्ड, मतलब जो उनके जूते होते थे वो ऐसे लगते थे जैसे उनको नए जूते मिलते थे पहनने के लिए, लेकिन वो रात को नए होते थे, लेकिन सुबह ऐसे होता था कि वो जूते ऐसे लगते थे जैसे उनको किसी ने पहना हुआ हो, मतलब वो पुराने लगते थे। इट वॉज अ बिग मिस्ट्री। वट इज़ द मीनिंग ऑफ मिस्ट्री, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसी चीज़ जो किसी की भी समझ में ना आए, जिसको मुश्किल हो समझना, दैट इज़ कॉल्ड मिस्ट्री। द किंग वॉन्टेड टू सॉल्व द मिस्ट्री बट ही डिड नॉट नो वॉट टू डू। जो राजा था, उन बेटियों का जो पापा था, जो उन बेटियों के फादर थे, किंग थे, वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते थे, लेकिन उनको कुछ नहीं पता था कि क्या करें, कैसे इसको सॉल्व करें। ही सेड द यंग मैन हु सॉल्व्स द मिस्ट्री विल मैरी अ प्रिंसेस। उसने कहा कि जो भी यंग बॉय, यंग मैन इस मिस्ट्री को सॉल्व करेगा, मैं अपनी एक राजकुमारी की शादी, अपनी एक बेटी की शादी उस लड़के के साथ, उस यंग मैन के साथ कर दूंगा। प्रिंसेस फ्रॉम फारवे लैंड्स केम टू सॉल्व दिस मिस्ट्री। बहुत सारे दूर दूर से जो राजकुमार थे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने आए, इस बात को सुलझाने आए, बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन सभी क्या हो गए, फेल हो गए। देन केम वाइज मैन, वाइज होता है बुद्धिमान, जिसको बहुत अकल हो, जिसको सब पता हो, जो समझदार हो। देन केम वाइज मैन, रिच मैन अमीर आदमी, मैजिशियंस जादूगर, मिनिस्टर्स जो हमारे मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जैसे राजनेता हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े अहदों पे होते हैं, स्पोर्ट्समैन जो खेले खेलते हैं, स्पोर्ट्समैन है ना, मैदान में खेल खेलते हैं, एंड इवन किंग्स, और राजा तक आए उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। बट नो वन कुड फाइंड आउट वाई द प्रिंसेसेस शूज वर वॉर्न आउट इन द मॉर्निंग। लेकिन कोई भी उस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाया कि जो प्रिंसेसेस का शूज़ था वो हर मॉर्निंग क्यों ऐसे लगता था, क्यों ओल्ड लगता था, क्यों ऐसे लगता था कि वो शूज़ जो है वो पहना हुआ है। अ सोल्जर वॉज पासिंग थ्रो द किंग्स लैंड। एक जो सिपाही था, एक सोल्जर था, वो क्या था, राजा के, मतलब वहाँ उस धरती से, उस लैंड के पास से गुजर रहा था जहाँ उसका राजा का महल था। ही हर्ड अबाउट द प्रिंसेसेस, उसने राजकुमारियों के बारे में सुना। लेट सी द मीनिंग्स, वर्न आउट, टू ओल्ड और डैमेज्ड फ्रॉम यूज टू बी यूज्ड एनी लॉन्गर, मतलब बहुत पुराना और जो ऐसा बन गया हो, खराब हो गया हो, डैमेज होता है ख़राब होना उसको ज़्यादा यूज़ करने के बाद। मिस्ट्री समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन,
ऐसी चीज़ जो समझने में और किसी को एक्सप्लेन करने में डिफ़िकल्ट हो. सो स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इन नेक्स्ट वीडियो. सो दिस वॉज द पार्ट वन ऑफ योर वीडियो. नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम ही वॉज अ पुअर मैन. सो टिल देन, बाय बाय.